बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप पर सलामती हो। इस दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाथ पैर साफ करने की रेमेडी। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून हल्दी। इस रेमेडी को आप महफूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 3 टेबलस्पून बेसन में 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस के छान लिया था, वो ऐड किया। 1 टीस्पून हल्दी, वो मैंने इसमें ऐड किया। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। इस रेमेडी से आपके हाथ पैर साफ और ग्लो करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एयर टाइट जार कोई भी आप ले सकते हैं, खुश्क हो, नमी ना हो उसके अंदर, उसमें आप इसको सेव कर लें। जब यूज़ करना होगा निकाला, मिक्स किया दही में और यूज़ कर लिया। इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए अच्छे रिज़ल्ट के लिए। ये मैंने एयर टाइट जार में रख लिया, इसको मैं सेव कर लूँगी। बाकी 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ये मिक्सचर 1 टेबलस्पून दही में मिक्स किया। इसको आप हाथों पे, पैरों पे, नेक पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ करने के लिए अर्की गुलाब का 1 टेबलस्पून यूज़ किया। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे अर्की गुलाब को, ताकि ये लिक्विड क्रीम की शक्ल में हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये मिक्सचर तैयार है अप्लाई करने के लिए। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसको 10 से 15 मिनट आप लगे रहने दें, ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। इसके बाद हम रिमूव करेंगे। दस से 15 मिनट के बाद मैं रिमूव करके दिखाती हूँ आपको। तकरीबन सूख गया। फेशियल स्टेप में हाथों से इसको मलेंगे, फ़र्क आपको ख़ुद महसूस होगा। हाथों की मदद से इसको मलते जाएं फेशियल स्टेप में। से बाल भी रिमूव होते हैं। मेरी रेमेडी अच्छी लगे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। ये तकरीबन तमाम मैंने साफ कर लिया अच्छी तरह। हाथ को वॉश करके दिखाऊंगी। मैंने वॉश कर लिया, फ़र्क देखें आप दोनों में। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें।